लोरिक चंदा की कहानी के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। लोरिक चंदा की कहानी केवल लोरिक और चंदा की ही कहानी नहीं है, अपितु यह कहानी है त्रिकोण प्रेम का, मतलब लोरिक चंदा और मंजरी के समर्पित प्रेम का। यह कहानी केवल प्रेम गाथा भी नहीं है, बल्कि वीर लोरिक की वीर गाथा भी है। वैसे तो यह कहानी मध्य भारत के साथ साथ उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल में भी काफी प्रसिद्ध है, परंतु आज मैं आपको लोरिकायन का एक छोटा सा अंश सुनाती हूँ। मंजरी अगोरी के रहने वाले मेहर नाम के ही एक अहीर की बेटी थी, जिस पर अगोरी के राजा मोलागत की निगाह थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद अत्याचारी था। जब मेहर को बेटी के प्यार का पता चला तो वो भयभीत हो गया, क्योंकि उसे मोलागत के मंसूबों का पता था। मेहर ने लोरिक से तुरंत संपर्क किया और तत्काल ब्याह करने को कहा। रक्त की नदी पार करके लोरिक की बारात पहुंची। माँ काली के भक्त लोरिक की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी तलवार 85 मन की थी। युद्ध में वे अकेले हजारों के बराबर थे। लोरिक को पता था कि बिना मोलागत को पराजित किए वह मंजरी को विदा नहीं करा पाएंगे। युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोन नदी तट पर आ गई। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन नदी को पार न कर सके, परंतु बारात नदी पार कर अगोरी किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ, इतना खून बहा कि अगोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया, और आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। लोरिक ने अपनी तलवार से मोलागत और उसकी सारी सेना और उसके अपार बलशाली इंद्रावत नामक हाथी को भी मार दिया। आज भी हाथी का एक प्रतीक पत्थर किले के सामने सोन नदी में दिखाई देता है। लोरिक के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह भी किले के आसपास मौजूद हैं। मंजरी की विदाई के बाद डोली मौजूदा मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंची, जहां पर नवविवाहिता मंजरी लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती देती है और कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग याद रखें कि लोरिक और मंजरी किस हद तक प्यार करते थे। लोरिक ने पूछा कि बोलो मंजरी, ऐसा क्या करूं? मंजरी ने लोरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहा कि वो अपने तलवार से इस चट्टान को एक ही बार में दो भागों में विभक्त कर दे। लोरिक ने ऐसा ही किया और अपनी प्रेम परीक्षा में पास हो गया। उस अद्भुत प्रेम का प्रतीक वो खंडित शिलाखंड आज भी मौजूद है, जो उस प्रेम की कहानी कहता है। मंजरी ने खंडित शिलाखंड से अपने मांग में सिंदूर लगाया था। आज भी यह मान्यता है कि जो भी प्रेमी जोड़ा इस वीर लोरिक पत्थर का दर्शन करते हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर पाता। वीर लोरिक की यह कथा एक साधारण लोक नायक का विजेता योद्धा बनने की कथा है। इस कथा में प्रेम, विरह, मिलाप, वीरता, वात्सल्य सब कुछ देखने को मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा तक हम लोरिक चंदा की कहानी का छोटा छोटा अंश आपके सामने लाते रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कार्तिक पूर्णिमा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि यह दिन लोरिक जयंती और लोरिकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।